वेलकम बैक टू द चैलेंज। स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला और काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आने वाली है। तो पठान भाई की एक वीडियो है, उन्हीं की वीडियो में आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाओ, 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखें दोस्तों, खुशी पे खुशी की खबर, भाई ये साल बड़ा अच्छा रहा है हमारे और आपके लिए। देखें, पहले तो मैच की खुशी मिली हमें और वो तो आपको, सही है। उसके बाद दिवाली आई, फिर दिवाली की खुशियां, और फिर सेम भाई उसी दिन ही फिर देखे आपके ऋषि सोनक जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत खुशी हुई भाई, ये खबर सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई भाई। जो जो लोग प्यार करने वाले लोग हैं, जो इंडिया को चाहने वाले लोग हैं, उनको खुशी जरूर होगी, लेकिन आ गया आ गया, जो जलने वाले वो लोग आ हैं गया। उनकी सूझेगी सूझी है। तो दोस्तों, पहले तो ऐसा लगता था कि इंडिया के अंडर कंट्रोल में सिर्फ गूगल, ट्विटर और ये ATC प्लेटफॉर्म ही आ रहे हैं, लेकिन अब तो भाई पूरे पूरे कंट्रीज जो है वो अंडर कंट्रोल आ रहे हैं। भाई क्या करना है, प्लानिंग बता दो हमें आप लोग यार हम भी अपना बंदोबस्त कर ले यार, कल को ऐसा पता चले कि भाई हर कंट्री के भाई प्राइम मिनिस्टर इंडिया से आ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा भाई थोड़ा सा हमें भी यार बता सही दो। कोई बात है। बात नहीं, हम भी चाहने वाले हैं कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप लोग क्या करने वाले हो भाई, कि हम भी अपने लिए कोई जुगाड़ तो लगा ले अभी से समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा समझ पहले गया। तो ये था कि बेकारिस्तान के अंदर जब कोई बेकारिस्तान बंदा कुछ करता था वो यूके भाग जाता था चुपके अब तो वहां का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन हो गया, बुकलंडी हो, अब कहां भागोगे, अब कहां छुपोगे अभी तो सबर करो, अभी बहुत हिसाब किताब बाकी है। अभी जो यूके के अंदर जो पड्डा हुआ था, ये भिखारियों ने जो हिंदुओं पे वहां पे हमला किया था वो मैच के बाद, अभी वो बदले सारे सब हमको याद है, आएंगे। हम कभी नहीं भूलते तो दोस्तों ये पिक देखिए, यूके का प्राइम मिनिस्टर भाई इंडियन, भाई यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंडियन, भाई कनाडा डिफेंस मिनिस्टर इंडियन इंडियन। तो भाई आप लोगों ने पिक देख लिया, दुनिया कहां पहुंच रही है, एक हमारे पड़ोसी कहां पे पहुंच रहे हैं भाई, शर्म कर लो, शर्म के मारे डूब के मर जाओ। इंडिया को देखो कि दुनिया में कैसे कैसे अपने अपने इंडियन कहां कहां भेज रहे हैं, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं किसी देश में, तो किसी को ITs बना रहे हैं, तो कहीं पे डिफेंस मिनिस्टर इंडियन है, तो कहीं पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। इंडियन है, तो कहीं पे गूगल का CEO जो है वो इंडियन है, तो कहीं पे ट्विटर का। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसको भेजते हो हफीज सईद को भेजो बस यही मौलवियों को पाल के रखो और यही मौलवियों को बेचते जाओ कंट्रियों में, और फिर बाद में बोलते हो कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं। तुम इंसान के बच्चे बनोगे तो लोग तुमसे प्यार मोहब्बत करेंगे, जब तुम लोग दुनिया में दहशतगर्दी गंद फैला रहे हो, पूरी दुनिया में आप ऐसी कंट्री बता दो जिसमें आपने ऐसा काम किया हो कि यार वो लोग बोले कि हाँ यार ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा। जिधर जाते हो गंद फैलाते हो, पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से बदबू फैली हुई है। तो भाई इंडिया के लिए आज रिस्पेक्ट और प्यार और ज्यादा बढ़ गया, कि इंडिया वो कंट्री है दोस्तों कि एक समंदर है, एजुकेशन का एक समंदर है, कि वहां से ऐसे ऐसे नौजवान निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे निकल रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि दुनिया पे राज करेगा एक दिन इंडिया। दोस्तों ये बिल्कुल मैं नहीं सही बात। कहता, ये खुद जो अभी हो रहा है दुनिया के अंदर, ये उस हालात को देखकर हम लोग ये बात कर रहे हैं। बस भाई अभी एक बात, एक चीज करना बाकी है कि बेकारिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन जाए। मैं तो इनको एक मशवरा देना चाहता हूं पाकिस्तान वालों को, कि भाई तुम लोगों के प्राइम मिनिस्टरों से नहीं होगा, ये तुम लोगों को 40-50 साल से लूट रहे, अच्छा सा हिंदुस्तान से कोई प्राइम मिनिस्टर लेके आओ भाई, उसे वोट दो, उसे प्राइम मिनिस्टर सही बनाओ, बात है। देश सुधर जाएगा, दहशतगर्दियां खत्म हो जाएगी, इंसान बन जाओगे आप लोग भी, एकदम एजुकेशन पे फोकस होगा सब लोगों का, गरीबी खत्म हो जाएगी। ये क्या करते हो, कभी किडनी बेचते हो, कभी बच्चे बेचते हो, कभी क्या करते हो भाई,
हर रोज परेशान हो, महंगाई से आपस में लड़ते रहते हो, तो भाई किसी इंडियन को प्राइम मिनिस्टर बना लो, देश में एकदम शांति आ जाएगी, सुखी रहोगे, सदा सुहागन सुदा स्वागत। रहोगे। अभी मजा आया वीडियो को देख के, आपको भी मजा आया होगा। तो अगर आपको अफगान भाई की और भी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं आपको एक और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।